اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق إلا By oath of this era of yours, O dear Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him. Indeed, man is surely in a loss. Except those who accepted faith and did good deeds and urged one another to the truth. And urged one another to have patience. इस जमान महबूब की कसम बेशक आदमी ज़रूर नुकसान में है मगर जो ईमान लाए और अच्छे काम किए और एक दूसरे को हक़ की ताक़द की और एक दूसरे को सब्र की वसीयत की मदेद नाजरीन आपका खैर मकदम है इकरा टी वी के इस प्लेटफॉर्म पर पैगाम रमज़ान लेकर हम आपकी खिदमत में आए हैं आपका होस्ट सैयद नमान गुल आपकी खिदमत में हाजिर है असलम मैं हूँ इमी खान और रोज़ की तरह आज भी पैगाम रमज़ान में आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ और आज भी हम करेंगे बहुत ही ज़बरदस्ती बातें कुछ हंसी मजाक और कुछ मालूम में इजाफा और आज भी हमारे साथ हमारे गेस्ट होंगे जिसमें आज हमारे पहले गेस्ट हैं अलामा फैसल बेग अजीज बंदगी और आज की हमारी दूसरी गेस्ट जो कि एक शेफ है और बहुत जबरदस्त पकाती हैं, बनाती हैं और आज उनसे पूछेंगे कि कुछ चटपटे खाने हमारे साथ मौजूद हैं महानूर मलिक आप दोनों को बहुत खुश बहुत शुक्रिया वक्त देने का और यकीन रोज़े बहुत ज़बरदस्त रहे होंगे हमारे भी और हमारे देखने वालों के भी बहुत ही जबरदस्त जा रहे होते हैं क्योंकि इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम है और गेस्ट इतने अच्छे हैं और आपसे तो मौलाना साहब मुलाकात का सिलसिला एक जारी और सारी है आज का जो टॉपिक है आज का जो डिस्कशन है आ, पूरी दुनिया में माशरती तौर पर भी नाकामी और कामयाबी दोनों को हम फेस कर रहे हैं क्या मैार है नाकामी और कामयाबी का कामयाबी और नाकामी के लिए आमतौर पर हमारे यहाँ दो तबका पाए जाते हैं एक वो तबका है जो कहता है दुनिया को छोड़ दो बस अल्लाह को राजी करो आखरत बना लो दुनिया से वीरानों में निकल जाओ जंगलों में निकल जाओ तरके दुनिया करो एक तबका है वो दुनिया की कामयाबी को ही सब कुछ समझता है और ये दोनों इस्लाम के राह अतदाल से हटे हुए हैं इस्लाम में कामयाबी का तस्वुर यह है कि दुनिया में तरक्की करो दुनिया में इल्म के मैदान में शूर के मैदान में टेक्नोलॉजी में जदीद दरियाफ्त के अमल में दुनिया में जितनी डिस्कवरीज़ हो रही हैं इसमें आगे बढ़ो दुनिया सितारों पर कमंदे डालो दुनिया के तमाम उलूम हासिल करो इसके दरमियान एक चीज़ को याद रखो कि जो क़्यामत का दिन है अकाउंटेबिलिटी उसको ना भूलो यानी दुनिया में रहो और आख़रत को याद रखो यह है कामयाबी का मैार आखरत की खातिर दुनिया के सारे काम छोड़ दिए यह इस्लाम नहीं कहता और दुनिया में इतने मगन हो गए कि आख़रत को ही भूल गए यह भी इस्लाम नहीं चाहता इस्लाम चाहता है कि ऐसे मुसलमान हो, जो माशरती जिंदगी में उनके अंदर सिविक सेंस हो उनके अंदर एक तहजीब हो उनके अंदर एक तमदन हो और फिर वो अल्लाह को याद भी रखते हों और अल्लाह को याद रखने से मुराद तस्बी पर अल्लाह का नाम लेना नहीं है अल्लाह को याद रखने से मुराद अल्लाह ने जो ज़िंदगी गुजारने के आदाब बताएँ उस पर कायम रहना है यानी अगर मैं अपने पड़ोसी का ख्याल नहीं रखता और मैं दिन रात अल्लाह का ज़िक्र करता हूँ तो मैं अल्लाह को याद नहीं करता अगर मुझसे मेरे दोस्त अहबाब उन्हें शिकायत होती है इसका मतलब यह है कि मैं अल्लाह को याद नहीं करता अल्लाह को याद करने का मतलब यह है कि इंसानियत से जुड़े हर सवाल का जवाब इस्लाम देता है अगर कोई सवाल पूछना चाहता है कोई किसी भी हवाले से हो मिसाल के तौर पर अगर सोई कैसे जूता कैसे पहने तो इन तमाम सवाल छोटी 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 चीज़ों के जवाब जो है इंसान की जिंदगी से जुड़ा है तो फिर उसका जवाब इस्लाम दे रहा होता है शेफ़ माहनूर हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जानना चाहूँगा जो नए शेफ इस प्रोफेशन में कदम रखने जा रहे हैं और वो किन चीज़ों का ख्याल रखें किस तरह वो शेफ बन सकते हैं एक कामयाब देखिए कामयाबी आप पर डिपेंड करती है कामयाबी आपके ऊपर होती है कि आप उसको कितना चाहते हैं या आप उसको कितना सीरियस या कितना आप उसके बारे में सोच रहे हैं आप उस पर काम कर रहे हैं तो कामयाबी का मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि अच्छा अगर आप शेफ़ बनना चाहते हैं तो आप पढ़ाई कर लें या आप जॉब कर लें तो आप शेफ बन जाते हैं नहीं आपको मेहनत करनी पड़ती है हर चीज के लिए आप किसी भी फील्ड में चले जाएं आपको हर फील्ड में मेहनत करनी पड़ती है इसी तरह ही शेफ़ भी बहुत मुश्किल फील्ड है स्पेशली अगर आप पाकिस्तान में देखा जाए तो हम लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं इस फील्ड में और स्पेशली लड़कियां बहुत स्ट्रगल कर रही हैं और हम लोग आगे बढ़ना चाह रही हैं और मेहनत कर रही हैं तो बस मेहनत करते रहें और आपको आपका फल मिलता रहेगा बिल्कुल ठीक बात है अच्छा मानूर बहुत सारे लोग होते हैं बहुत सारे ऐसे हमारे माशरे में फ़र्द हैं जिनके ऊपर किसी भी एक सिचुएशन का बड़ा एक गहरा असर हो जाता है और वो तारी हो जाते हैं उसमें चाहे वो कामयाबी हो चाहे वो नाकामी हो अगर वो नाकाम है तो वो उस फेस से नहीं निकल पाते नहीं। अगर वो कामयाब हैं तो वो उस फेस से नहीं निकल पाते एक माशरे का फ़र्द होने की हैसियत से आप किस तरह आपको लगता है कि इन दोनों फेजेस को बहुत बैलेंस किया जा सकता है आ, जैसे इन्होंने बताया कि हर चीज की बैलेंस होती है हर चीज़ बैलेंस लेके अब जिस तरह एक हमारे लॉ है तराजू है तराजू का क्या है जब तक बैलेंस है तब तक सब सही है बैलेंस जरा सा भी खराब होगा सब खराब हो जाएगा तो कामयाबी ना कामयाबी का ताल्लुक भी इसी से है ना आप अगर कामयाब हो रहे हो तो आप इतना फखर करने लग जाओ कि आप कामयाबी के चक्कर में आप अपने को भूल जाओ या अपने से कमतर को भूल जाओ और नाकामयाबी का यही होता है कि अगर आप एक पाथ को लेकर एक अगर आप चीज को लेकर चल रहे हैं और आपको नाकामयाबी हो रही है तो बेहतर यही होता है कि आप वक्ती तौर पर उस जगह पर रुक जाए ठहर जाए और खुद को ठंडा करें और इस बारे में सोचें कि क्यों नाकामयाब हो रहे हैं और फिर से वहां से मेहनत करें ना के नाकामयाबी को पकड़ के बैठ के रोएं और फिर आप सिफर पर आके खड़े हो जाओ फिर आप वहां से शुरुआत एक ले करें करें शुरुआती है और यहाँ पर मैं शामिल करता चलूँ मौलाना मोदूदी रमत का कामयाबी और नाकामी के हवाले से आप क्या फरमाते हैं कि मोमिन की कामयाबी और नाकामी का मैार ये नहीं है कि उसने कोई मुल्क फ़तः कर लिया हो या कोई हुकूमत कायम कर ली हो बल्कि उसकी कामयाबी का मैार ये है कि इसने अपने खुदा के कलमे को बुलंद करने के लिए अपने दिलो दिमाग और जिसमो जान की सारी क़तें लड़ा दी ये काम अगर इसने कर दिया तो दर हकीकत वो कामयाब हो जाएगा खवा वो दुनिया के अतबार से उसकी जो कारकरी हो वो तो ही क्यों ना हो अगर उसने दिलों को जीत लिया है तो फिर उसने कामयाबी हासिल कर ली अच्छा साहब हमारा टॉपिक है कामयाबी और नाकामी का मैार तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ईमान और आमाल सवाले से क्या मुराद है ईमान और अमल साल ये कामयाबी के मैार हैं ईमान का ताल्लुक है आपके अकायद से शूर से ईमान का ताल्लुक अमाल साले का ताल्लुक़ है आपके अमल से यानी ईमान में आदमी पुख्ता हो और अमल साले हो आमाल में अच्छा हो ये दोनों चीज़ें मिलेंगी तो जिंदगी कामयाब कामयाब होगी अगर आपने ईमान बड़ा पुख्ता रखा आप मस्जिद में भी जाते हैं रोज़े भी रखते हैं आप नफली रोज़े भी रखते हैं आप नफिल नवाजे भी अदा करते हैं सब कुछ करते हैं लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं है तो ये सारी इबादतें होने के बावजूद आप कामयाब नहीं कामयाब नहीं खाली है हैं आप। खाली है और अगर कोई इंसान सिर्फ अच्छा इंसान है ईमानियात के बाब में वो खाली है तो वहाँ भी अधूरापन है कामयाबी का मैार ये ईमान में वो रजू हर अमल अल्लाह की खातिर अल्ला, अल्ला। हो और अच्छा अमल करना हर कोई जानता है, कि ये अच्छा अमल है, ये बुरा अमल है इसके बावजूद हम आमाले सलह से दूर क्यों होते हैं इसलिए बाजा अवकात अमाल सलि से हट कर हमें बहुत महदूद और जल्द फवाद हासिल हो जाते हैं। हुँ। हुँ। तो हम फिर वो जानते हुए कि ये गलत है उस तरफ चल पड़ते हैं कामयाबी का मैार ये नहीं है कि आपने इस वक्त कामयाबी हासिल की या नहीं कामयाबी का मैार ये है कि आखिरी नतीजा क्या निकला एंड रिजल्ट क्या है बिल्कुल सही वो अगर उसमें आप का, उसमें कामयाबी के लिए तो फिर ज़रूरी है कि अगर कहीं से आपको फायदा हासिल हो रहा हो लेकिन वो तरीका दुरुस्त नहीं है तो बावजूद इसके कि वो फायदा आपके लिए है उसको तर्क कर दें ये साले है। अल्लाह की खातिर अमल करना ईमान में शूर को पाकिजा रखना और अपने अमल को पाकिजा रखना जब शुरू और अमल पाकिजा हो जाए तो यही दुनिया की कामयाबी है यही आखरत की कामयाबी बेहतरीन अच्छा मौलाना साहब जरा सा मुख्तसर मुझे ये बताइएगा कि हम एक टैगलाइन दे देते है माशरे में अगर कोई शख्स नाकाम हुआ है तो वो उठ ही नहीं पाता संभाल ही नहीं पाता कामयाबी की तरफ़ जाने के लिए जबकि माशरे को चाहिए कि ऐसे बिखरे हुए शख्स को सीटें और दिलजोई करें और आगे उस तरफ लेके जाए तो इस्लाम इस बारे में क्या कहता है इस्लाम इस बारे में ये कहता है कि अगर कोई शख्स माश की दौड़ में किसी भी मरहले में पीछे रह गया है तो हमारे माशरे का चलन यह है कि उसको जक़़त दे दो उसको फितरा दे दो उसकी मदद कर दो ताकि वो हमेशा मांगता ही रहे ये इस्लाम का तस्वुर नहीं है इस्लाम कहता है उसको जकवात दो तो इतनी दो कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए इतनी उसकी मदद करो कि अगर किसी कारोबार में था वो कारोबार तबाह हो गया तो वो उस कारोबार को दोबारा करने के काबिल हो जाए वो कोई काम कर रहा था उसमें नाकाम हो गया इतनी मदद करो कि दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए इस्लाम मांगने की आदत नहीं डालता इस्लाम मदद सिखाता है लोगों को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए जी हाँ यकीनी तौर पर अगर कोई शख्स दुनिया आखिरत में कामयाब होना चाहता है अगर कोई मुसलमान दुनिया आखिरत में कामयाबी हासिल करना चाहता है तो उसे दो चीज़ों पर अमल करना है एक तो कुरान मजीद फुर्कान हमीद उसको जो राह बता रहा है उस राह पे चलना है और दूसरा उस राह पर चलने के लिए जो तरबियत दी है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है हयात तयबा है ये वो दो चीज़ें हैं जो इंसान से ताल्लुक़ रखने इंसान से ताल्लुक़ रखने वाली हर शय का हर सवाल का जवाब देते हैं क्या बात है और बातों अमल नियत ये तमाम वो चीज़ें हैं जब ये एक तश्तरी में सजती हैं तो ये खूबसूरत ईमान की नुमाइंदगी करती हैं आप कैसे नुमाइंदगी कर सकते हैं कि आप हमारी ट्रांसमिशन को कितना इंजॉय कर रहे हैं क्या कुछ है जो देख रहे हैं आपके फीडबैक हमारे लिए बुनियाद हैं और इस फीडबैक को देने के लिए आपने क्या करना है आपने करना ये है कि हमारा हैंडल है इन्फो एट इकरा डॉट टी वी इस पर अपने फीडबैक दें क्योंकि मैं कर रही हूँ इंतज़ार एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं पिन पैगाम रमजान ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश कहते हैं और बहुत सारी बातें बहुत सारे डिस्कशन का सिलसिला जारी है लेकिन इस डिस्कशन में एक चीज़ होती है जो कि हमें एनर्जी दे रही होती है वो हमारा फ्यूल होता है तो फ्यूल के लिए मैं रुख करूँगी इस तरफ जहाँ मानूर बैठी हुई हैं मानूर कोई एक ऐसी एनर्जेटिक सी रेसिपी जो कि सेहरी में ली जाए और पूरा दिन जबरदस्त सा गुजरे क्योंकि आपको पता है कि भूख भी लगती है काम भी है भी हैं हैं तो क्या ऐसा लिया जाए जो हम ले सकते हैं? अच्छा शहरी में ना मैं प्रेफर करती हूँ कि आप अफतारी अच्छी करो या नहीं करो शहरी आपकी अच्छी होनी चाहिए और शहरी में वो चीजें होनी चाहिए जो आपको सारे दिन के लिए ताकत दें एग्जैक्टली फॉर एग्जाम्पल अगर आप सालन बना रहे हैं ना तो आप अपने सालन में घी कम रखें ये आप कर सकते हैं फिर आप सालन नॉर्मल बनाएं आप जैसे चिकन है वो आपको प्यास वो लगाती है जैसे बीफ है वो बहुत ज्यादा प्यास लगाता है तो आप बीफ अवॉइड करें आप चिकन ले लें आप अब्जिया ले सकते हैं जिस तरह आजकल मौसम गर्माइश की तरफ जाता जा रहा है तो जैसे टीडे हो गए हैं या इस तरह की सब्जियां होती हैं ठंडी होती हैं काफी ताजी ठंडी होती है तो उनके बेस्ट ये होता है कि आप इस तरह से इस अंदाज से आप उनको बनाएं कि बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं आप भी इंजॉय कर रहे हो साथ में आपने फेनी बना ली खजला बना लिया फिर आपने लस्सी बना ली लस्सी आपकी प्यास बुझाती है नमकीन लस्सी हो गई कच्ची लस्सी हो गई कच्ची लस्सी के बारे में कोई बात नहीं करता है और मैं बड़ी होती हूँ कि शहरी में कच्ची लस्सी का बड़ा काम होता है जैसे कच्ची लस्सी बनती है कच्ची लस्सी दूध और पानी और थोड़ा सा आपने नमक डालना होता है आपकी कच्ची लस्सी होता है कि आपकी तासीर उसकी ठंडी होती, होती है ना तो वो ये होता है कि अगर सपोज कुछ लोग हैं जिन्होंने नहीं सोना जिन्होंने नींद नहीं करनी है और वो नमकीन लस्सी पी लेते हैं दही वाली फिर उसके बाद तो आती है नींद सच्चा है कि आप कच्ची लस्सी पी लें अः जैसे चाय है चाय बहुत ज्यादा लोग पीते हैं तो चाय की इनटेक आप कम रखें शहरी में वो आपको प्यास लगाते हैं सही। ये छोटी छोटी टिप्स होती है अच्छा आप... और वो टाइम ऐसा होता है महानूर के शहरी की ये आपने फिर आपने नमाज पढ़ी थोड़ी सी इबादत की फिर वो ऑफिस जाने का वक्त हो जाता है तो वो आपका वक्त जो है बड़ा शॉर्ट होता है उसमें आपने अच्छा आप लोगों से भी आज तो मैं मेहमानों से भी जानना चाहूंगी कि आपके शहरी के लवाजमात क्या होते हैं मेरी यही होती है हम लोग के घर में सालन बनता है रोटी क्योंकि अंडा वैसे ही सुबह में वैसे पसंद होता है सबको लेकिन शहरी में नहीं खाते वही बात गर्मी है हाँ अच्छा जैसे शहरी में ना कुछ लोग शहरी से पहले सो जाते हैं सो के जब उठते हैं तो भूख नहीं लग रही होती उस तरह से क्यों कुछ जैसा मैं हूँ मेरी भी होती है अगर मैं सो के फौरन उठू मुझे भूख नहीं लगती है हाँ मैं उठी हूँ तो फिर वो अलग बात है आपको भूख लगी होती है तो बेस्ट ये होता है कि आपने स्मूदी बना ली स्मूदी ऐसे बनती है आपने दही लिया है उसके साथ आपने कोई भी अच्छा आपका पसंद का फ्रूट आपने उसमें ऐड किया आपने मैंगो डालने स्ट्रॉबेरी डालने जो भी आपको पसंद है। थोड़ा सेहत के, के लिहाज से तो आप उसमें थोड़ा सा शहद डालें अच्छी सी स्मूदी बनाएं आपका लिटरली पूरा रमजान बड़ा अच्छा जाएगा इस तरह की चीजों आप हम तेल और फ्राइड चीजों से हटके मैं कहती हूँ आपका जो पूरा रमजान होता है ना वो वही बात है डिटॉक्स आपको कर रहा होता है तो अगर आप डिटॉक्स कर ही रहे हो तो फिर आप प्रॉपर चीज का ख्याल रखे हुए नहीं, ये, ये नहीं पड़ोसियों के घर से पराठे की रहे होते हैं यार कुछ मिस किया चलो अच्छा सही है स्मूदी बना लेते लेकिन एक दो पराठे भी चलते अच्छा मैं मौलाना साहब आपसे ये जानना चाहूंगी बड़ा हमारी जिंदगी में बड़ा असर है वालदेन मेहनत कर रहे होते हैं बच्चे अपने लिए मेहनत कर रहे होते हैं पढ़ाई में मेहनत कर रहे होते हैं हम बड़े जजमेंटल हो गए चीज़ों को हमने बड़ा एक एक जगह पे लगा दिया है आपका बच्चा अगर इस स्कूल में है तो वो कामयाब है बाप कामयाब है माँ कामयाब है अगर आपके घर में इस स्टैंडर्ड का मेन्यू है तो आप कामयाब हैं नहीं है तो अनवांटेड तरीके से हम नाकामी में हैं अगर आपका बच्चा जो है वो स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है तो वो कामयाबी के इसमें और नहीं कर रहा तो हम नाकामी में क्या ये दौड़ है इसका कुछ ना कुछ तो अमल दखल है इसलिए कि इससे बिल्कुल ताल्लुक़ तो नहीं हो सकते हमारे यहाँ अब बदकस्मती से तालीमी निज़ाम ऐसा है कि जो गरीब के लिए अलग है मुतवस्सित तबके के लिए अलग है उम्रा के लिए अलग है लेकिन असल जो कामयाबी है वो इदारे से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के ग्रेड से नहीं होती बल्कि उसके लिए आपकी पर्सनल अटेंशन कितनी है मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं तालीम के शोबे से मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहता है जिन्होंने बड़ी मशहूर मैं नाम नहीं ले रहा उनके बड़ी मशहूर और बड़ी महंगी यूनिवर्सिटियों से उन्होंने पढ़ा और उनके मुकाबले पर ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत उसके मुकाबले में दुनियावी एबार से कम दर्जे की यूनिवर्सिटी से पढ़ा लेकिन जो लोग दोनों आ, का जो अकेडमिक लेवल था उसमें ज़मीन आसमान का फर्क

ईमान के लिए जरूरी है अमल सौलह ईमान के लिए अमल सौलह इसलिए ज़रूरी है कि अगर अमल सलह नहीं करते तो इसका मतलब है आपने तो सिर्फ शौरी तौर पर दीन को कबूल किया है अमली तौर पर आपने कबूल नहीं किया और अगर आप अमल साले करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप एक अच्छे इंसान तो हैं लेकिन शौरी तौर पर आप रब से दूर हैं इसलिए ईमान और अमल सवाले इसकी आला मिसाल खुद कुरान ने बयान की सूर्य तीन में लक़द खलक इंसान फ़ी अहसनी तकबी हमने इंसान को उसकी बेहतरीन खाल पर खल किया रदद ना हो असफला साफिलीन फिर हमने इंसान को पस्तियों की इंतहाई पस्ती में गिरा दिया इंसान आला खलक हुआ फिर इंसान पस्तियों में गिर गया अब कुरान कहता है अल लजीना आ व अमी सलि फलहम अजरून लेकिन वो जो ईमान और अमल साल वाले थे उनको हमने पस्ती में गिरने से रोक दिया। बाकी सब पस्ती में चले गए इसका मतलब है दो चीजें गिरने से बचाती हैं एक ईमान और एक अमल साल ये एन मुमकिन है कि आपको अमल साले के नतीजे में नुकसान हो और हाँ यकीनी तौर पर रसोल साल हमें कामयाबी से रोशनास कराती हैं और यही वजह है कि सहाबा इकराम ने जितनी भी फ़तहत हासिल की फत व कामरानियाँ उन्हें जो मिली वो रसोल्ला की तालीमत की बदौलत ही मिली कामयाबियाँ जो मुसलमानों ने आ, समेटी हजरत खालिद बिन वलीद ने कमो बेश दो सौ से ज़ायद जंगे लड़ी और उन तमाम में कामयाबियाँ हासिल की तो वो रसोल्ला सल्ल्स की तालीमत थी तरबियत थी जंगी तदाबीर जो आप सल्ला वम् नेजरत खालद बिन वलीद को दी वहीं थी इसी का सिला था जो कि हमने देखा कि कैसर व कसरा की सल्तनत को जो है हज़रत ख़ालिद बिन बलीद ने ललकारा और क्या ज़बरदस्त अंदाज़ में जो है वो फतवाहत हासिल की जितनी भी जंगें हुई उसमें मुसलमानों की जो तादाद थी वो कम हुआ करती थी सामने लश्कर ज़्यादा हुआ करता था लेकिन इन इन सब के बावजूद भी जो मुसलमान थे वो कामयाबियाँ हासिल करते थे तो वजह यही थी कि उन्होंने कामयाबी का जो मैार रखा था वो क़ुरान मजीद और रसूल वसल्लम की सुन्नत थी बिल्कुल और बहुत सारी बातें हैं सवाल बहुत सारे हैं उलझने बहुत सारी हैं और इन उलझनों से निकलना है जब सात इतने अच्छे अच्छे खूबसूरत खूबसूरत मेहमान हैं तो यकीन ये हमारी रहनुमाई कर रहे हैं और आपने भी हमारी रहनुमाई करनी है अपने फीडबैक देने हैं और फीडबैक के लिए हमारा सोशल मीडिया हैंडल है इनपो एट इकरा डॉट टी वी इस पर आप हमें फीडबैक दें और छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर खिदमत होते हैं ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं और यहाँ पे मैं अपने तजुर्बे की रोशनी में पूछना चाहूँगी अपनी गेस्ट से क्योंकि ये शेफ़ हैं और अक्सर वेशतर मेरे साथ ये हुआ है कि रोज़ा होता है तो कुछ चीज़ें जिस पर हम बहुत एक्सपर्ट होते हैं वो कभी कभार ऊपर नीचे हो जाती हैं आप भी समझ सकती हैं इस मामले को कभी ऐसा हुआ है કે કભી કોઈ એસી રેસિપી બનાવી હો جسપે આપ બહોત શ્યોર હો લેકિન વો થોડીસી ઉસ નાકામી હુઈ હો ઓર ફિર ઉસકે બાદ યા તો ડિસહાર્ટ હો ગઈ હું આપકે નહીં યાર અબ નહીં ইসકો ટ્રાય करूंगी યા ફિર વાકી ઓર મઝીદ આપકી એનર્જી કો બૂસ્ટ અપ કિયા આપને ઓર અપને કા નહીં નહીં અબ તો دوبارہ करूंगी મેરે સાથ હો ચુકા હે ઓર મેરા યે હોતા હે કે અગર મે એક ચીઝ કો શુરુ કર લી હે ના ઉસકો ખતમ karna hai અગર એક ચીઝ ખરાબ હો ગઈ હે તો મેરા યે નહીં હોગા કે અબ મેને યે karna hi nahi hai kyun nahi karna kyun kharab hui uski aap निकालो वजह निकालो और उसको ठीक करो तो मैं तो यही करती हूँ को सही करती हूँ और दोबारा से ट्राई करती हूँ अच्छा दोबारा ट्राई बिल्कुल बिल्कुल और अच्छी बन जाती है दोबारा आप नेक्स्ट टाइम करो तो आपको पता होता है कि कहाँ कहाँ आप गलत कर रहे हैं जबरदस्त अच्छा बाज़ दफा ऐसा भी हुआ है कि जैसे मैं अक्सर उ घरों में ये होता है कि आपने चाट बनाई वो थोड़ी सी बच गई थोड़ा सा। उसकी खवतीन बड़ी एक्सपर्ट होती हैं कि जो आपकी रिमेनिंग अमाउंट उसमें ज़ाया भी कुछ नहीं हो रहा होता था उसमें हम खुश भी बहुत होते हैं एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाता है और पता भी नहीं चलता लोगों को कि आपने क्या कुछ ऊपर नीचे किया तो ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जिनको आप मिक्स एंड मैच करके नेक्स्ट डे के लिए भी आप प्रैप कर सकते हैं साल के लिए जिस तरह आपने अभी चाट की बात की है चाट के आप समोसे बना लें अच्छा। आप उसके रोल बना लें आप उसको हल्का सा क्रिस्पी करके ना आप जिस तरह उसके चाट है उसके ऊपर हल्का सा करके आप उसको भून लें क्योंकि वो थोड़ा सा रनी उसमें होगा उसको भून लिया भून के आप उसके रोल बनाएं उसके चार्ट बनाएं आप उसको किसी भी चीज में ऐड कर सकते हैं आप उसको मैश करके सुबह शहरी में आप उसके पराठे बना सकते थे अच्छे क्या बात है एक कामयाब शेफ की यही निशानी होती है कि वो अपने खराब चीज को भी काम में ले आए तो अच्छा इसमें खराब होना जरूरी नहीं है क्योंकि बज दफा मेरे साथ खुद ही ऐसा हुआ है कि आ, मैंने सफेद चने जो बन, बहुत रेगुलर बेसिस पे बन रहे होते हैं नेक्स्ट डे मैंने उनके कटलेट बना लिए तो तो बहुत, बहुत, अच्छा बहुत बने बने हेल्दी भी तो ज़रूरी नहीं है आप भी दिल बर्दाश्त नहीं हो कि अगर आपकी कोई चीज खराब हो गई है तभी आपने उनको यूज करना है या उसकी कोई ऑल्टरनेट करना है आप सही चीज को भी नए तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं मुफ्ती साहब आपने कभी कोई ऐसा काम कोई पढ़ाई के दौर में कोई ऐसी चीज हर इंसान की जिंदगी में होता है कि कभी आ, लाइटर मूड में कि हाँ भाई ये चीज़ मेरी भी कभी खराब हुई थी लेकिन वो फिर कामयाबी की तरफ उसने रुख मोड़ा ये हर इंसान की जिंदगी में होता है कोई इंसान ऐसा नहीं है जी और ये मेरी जिंदगी में मैं अपनी ज़ात की हद तक कह सकता हूँ क्योंकि अपनी ज़ात के ऊपर सबसे बड़ा ऑब्जर्वर मैं खुद हूँ तो मेरी जिंदगी में तो बड़ा फ्लैक्चुएशन है बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैंने बहुत कुछ सोचा वैसा नहीं हुआ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था बहुत हो गया वो हो गया। तो नाकामी और कामयाबी वो हमारी सोच और हमारा इरादा हमारी लगन ये हो फिर उसके बाद नतज अल्लाह पर छोड़ देने चाहिए इसलिए कि हम खुदा नहीं है बिल्कुल। हमारा काम है कोशिश करना इखलास के साथ जद्दोजहद करना नतज अल्लाह पर मुजद अलफ ने एक शख्स को बसी ताकीद की थी नसीहत की थी उससे कहा था कि जिंदगी में कभी भी खुद को खुदा नहीं समझना अल्लाह तो उस आदमी ने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूं मैं कैसे खुद को खुदा समझूंगा तो मुजदिद अलफ ने कहा कि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये अल्लाह की शान है जो सोचे वो हो जाए ओ, खुदा। जो चाहे वो हो जाए तुम बंदे हो ये ना सोचना कि मैंने ये चाह था ये क्यों नहीं हुआ तुम बंदे हो कभी होगा कभी नहीं होगा यकीनी तौर पर इंसान की जिंदगी में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, हैं। साहब गुफ्तु जारी है अख्तामी मरल में भी है प्रोग्राम तो मैं जानना चाहूँगा कि ईमान की हकीकत क्या है ईमान की हकीकत यह है कि जिन बातों पर हम ईमान रखते हैं उन बातों पर अमल कितना करते हैं मतलब ये कि मैं ईमान रखता हूँ अल्लाह है तो मैं अल्लाह के फरमदात पर कितना चल रहा हूँ मैं ईमान रखता हूँ कि क़यामत के दिन मुझे अल्लाह के केज़ू खड़ा होना है जवाब देना है उस दिन की तैयारी मैं कितनी कर रहा हूँ आख़रत का तस्वुर मेरी ज़िंदगी में कितना दाखिल है यानी यह कि एक शख्स कहे कि मैं मरने के बाद इस बात पर ईमान रखता हूँ अल्लाह के जजूर खड़ा होना है लेकिन उसकी ज़िंदगी ये बताती हो कि इसको ऐसा कोई एहसास नहीं है इसका मतलब है कि ईमान सिर्फ ज़बानी है ईमान सिर्फ़ शुरूर तक है उस ईमान को शुर से कल्ब का एहसास बनाने के लिए आपको उस ईमान पर अमल पैरा होना होगा इसलिए कि ईमान शूर है और उस शऊर की रोशनी में जो अमल हो वो अमल साल है अमल से पता चलेगा कि ईमान क्या है उसका अमल से पता चलेगा ईमान क्या है और ईमान से पता चलेगा कि इसका अमल दुरुस्त है या नहीं है ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया साहब तशरीफ लाए महानूर आपका भी शुक्रिया दोनों मेहमानों को बेहद मशहूर भी हूँ मैं कि अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया है नाजरीन प्रोग्राम इख्तामी मराइल में है और मैं आपका मेजबान सैद नमान गुल आपसे इजाज़त चाह रहा हूँ और मैं हूँ एमी खान बशरत ज़िंदगी कल फिर हाजिर होंगे नई बातों के साथ नई एनर्जी नई सोच और बहुत सारे नए सवालों के साथ इस शेर के साथ आपसे रुख्सत होंगे कि हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ात नबी बुलंद है ज़ात खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग मैं सबको मानता हूँ मगर के पास। नबी मेरे दिल में भी समा जाना का दीवाना बना जाना मुझको भी मोहम्मद का चेहरे को तकती है उस चेहरा अनबल का दीदार करा जाना उस चेहरा अनवर का कुछ रंग मुझे पे भी चढ़ा जाना उस रंग की कुछ रंग मुझे पे भी चढ़ा जाना जाना सरकार बुलाते हैं तुम नात सुना जाना Yeah.